लेसन 16 का पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ इज द वर्ड वर्ड स्पिन, स्पिन शब्द का किस प्रकार उपयोग किया गया है भिन्न रूपों में इन द पोयम, पोयम में, तो पोयम में विभिन्न रूपों में स्पिन शब्द का उपयोग कैसे किया गया है जी बताना। तो सबसे पहली लाइन तो क्वेश्चन की ही होगी कि शब्द स्पिन जो है, द वर्ड स्पिन यूज्ड उपयोग किया गया है इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, तीन डिफरेंट मीनिंग्स में, तो कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा द वर्ड स्पिन, स्पिन शब्द जो है इज यूज्ड उपयोग किया गया है, इतना तो पूरा लिखा, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड उपयोग किया गया है इन, इन मतलब में, ठीक है ना, इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, तीन भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है, और यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या क्या बताता है जी, गोल घुमाना, गोल घुमाना भी स्पिन कहलाता है, तेजी से जब आप ड्राइव या ट्रेवल करते हैं तो वो भी कहलाता है स्पिन, और एक धागा जब आप उत्पन्न करते हैं तो वो भी कहलाता है स्पिन, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले इट मतलब यह, इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट बताने के लिए, टू डिनोट बताने के लिए, तो इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट बताने के लिए। अब क्या क्या बताते हैं देखो, सबसे पहले गोल घुमाना, टू टर्न राउंड होता है, टू टर्न राउंड मतलब गोल घुमाना होता है, टर्न मतलब घुमाना और राउंड मतलब गोल होता है, टू टर्न राउंड गोल घुमाना। और फिर हम लिखते हैं ठीक कि तेजी से ड्राइव करना या ट्रेवल करना, टू ड्राइव, टू ड्राइव मतलब ड्राइव करना, या फिर और टू ट्रेवल यात्रा करना, ठीक, और वो भी क्विकली तेजी से, एंड और प्रोड्यूस उत्पन्न करना, थ्रेड मतलब एक धागा उत्पन्न करना। तो कैसे, टू टर्न राउंड, टू टर्न राउंड लिखा जाएगा पहले, टू टर्न राउंड, और फिर यहाँ पे टू ड्राइव और ट्रेवल, टू ड्राइव और ट्रेवल, के टू ड्राइव करना या फिर ट्रेवल करना, ठीक, और क्विकली मतलब तेजी से, एंड एंड प्रोड्यूस आ थ्रेड और एक धागा उत्पन्न करना। तो ये तीन मुख्य जो है वर्ड जे ही है इसका आंसर। तो यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज यूज्ड टू डिनोट बताने के लिए कि टू टर्न राउंड गोल घुमाना, और फिर टू ड्राइव आर ट्रेवल क्विकली तेजी से, एंड प्रोड्यूस अ थ्रेड और एक धागा उत्पन्न करना। तो कैसे बनाया जाएगा, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज यूज्ड टू डीनोट बताने के लिए, टू टर्न अराउंड गोल घुमाना, टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली, टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली, एंड प्रोड्यूस अ थ्रेड। तो कैसे बनाया गया, सबसे पहले लिखा द वर्ड स्पिन इज यूज्ड, स्पिन शब्द का उपयोग किया गया है इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट बताने के लिए, टू टर्न राउंड और टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली, एंड प्रोड्यूस उत्पन्न करना, थ्रेड एक धागा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट जोक इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, किस जोक के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, किस जोक के बारे में द पोएट इज टॉकिंग, कवि बात कर रहा है। तो कवि जो है डम्ब और स्पीक शब्दों से संबंधित जोक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, यह इस संबंधित जोक के बारे में बात कर रहा है। तो कवि मतलब द पोएट, टेक द पोएट लिखेंगे कवि, और फिर इज टॉकिंग, ये तो जहाँ कहता है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, कवि जो है बात कर रहा है। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले ध्यान देना, द पोएट इज सहायक क्रिया, टॉकिंग बात कर रहा है, टॉकिंग मतलब बात कर रहा है। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखा हमने द पोएट कवि, इज सहायक क्रिया लगाई, टॉकिंग बात कर रहा है अबाउट के बारे में, और फिर द जोक, जोक के बारे में, और कनेक्टेड मतलब संबंधित विथ द वर्ड्स, विथ द वर्ड्स, और कौन से वर्ड हैं, डम्ब एंड स्पीक, ठीक है। तो द पोएट इज टॉकिंग, कवि बात कर रहा है अबाउट द जोक, जोक के बारे में, कनेक्टेड विथ द वर्ड्स डम्ब एंड स्पीक। तो इस टाइप से बनाया जाएगा कि द पोएट इज टॉकिंग, बात कर रहा है अबाउट द जोक, जोक के बारे में, ठीक है, कनेक्टेड विथ द वर्ड्स डम्ब एंड स्पीक। तो कैसे बनाया गया, सबसे पहले लिखा द पोएट इज टॉकिंग, इज टॉकिंग अबाउट, इतना तो क्वेश्चन से लिखा, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द जोक,
जुग के बारे में कनेक्टेड संबंधित विथ द वर्ड डम्ब एंड स्पीक लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज कॉपर यूज्ड, कॉपर मतलब तावे का किस प्रकार उपयोग किया जाता है इन अ किचन, रसोई घर में तावे का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कॉपर जो होता है वो खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं उनके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर सबसे पहले लिखा हमने, कॉपर इस सहायक क्रिया, कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म के रूप में, ठीक है ना, इन द फॉर्म होता है रूप ऑफ, और फिर बर्तनों के लिए कहा जाता है यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, ठीक, और फिर इसके बाद उपयोग किए जाने वाले मतलब यूज्ड लिखेंगे, यूज्ड मतलब उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, यूज्ड मतलब उपयोग किए जाने वाले फॉर के लिए, फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए, फॉर कुकिंग फूड मतलब खाना पकाने के लिए। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म के रूप में ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों के रूप में, ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स यूज, उपयोग किए जाने वाले फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले लिखा कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स यूज, उपयोग किए जाने वाले फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए। तो कैसे बनाया जाएगा, लिखा हमने कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं यूज, उपयोग होने वाले फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए।